बाजार है, आप देख सकते हैं रात का टाइम है, हम बद्रीनाथ गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। चाय की टपरी, पूजा भंडार, ये सीधा रास्ता गांव की तरफ जाता है। अभी यहां पे रौनक नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत ही कम है। अगले दिन सुबह फिर हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे। ये देखिए मौसम बहुत अच्छा खिला हुआ है, यहाँ सब थोड़ी बहुत ही पब्लिक है जो लोग अपनी फोटो खिंचा रहे हैं अलग अलग एंगल पे। सामने अलकनंदा, ये देखिए पहाड़ों पे बर्फ, बद्रीनाथ मंदिर, सब लोग ज़्यादातर यहाँ पे सेल्फी फोटो ले रहे हैं अपनी। ये देखिए एक भक्तजन अपनी फोटो लेते हुए बहुत ही आनंदित कर रहे हैं। बहुत ही धूप अच्छी निकली हुई है, अभी थोड़ी देर में धूप मंदिर पे आ जाएगी। अभी धूप मंदिर परिसर में नहीं आई है, पहाड़ों पे ही है। पहाड़ों की वजह से धूप थोड़ी देर के लिए ही बद्रीनाथ धाम में आती है, बाकी टाइम पहाड़ों पे ही रह जाती है या पहाड़ों से कट जाती है। ये सामने अलकनंदा नदी और ये धुआं निकल रहा है, वो तप्त कुंड की भाप है, ये उबलता हुआ पानी। ये देखिए ये रावल साहब का मकान है जो बद्रीनाथ के मेन पुजारी हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पे अनेक पंडित आपको मिलेंगे जो आपको पूजा अर्चना कराएंगे और आपकी यात्रा को सफल करेंगे। आप जगह जगह यज्ञ भी कर सकते हैं, यहाँ पे बने हुए हैं। ये सीधा सीढ़ियाँ नीचे तप्त कुंड की ओर जा रही हैं। ये जो हरा तिरपाल सा आपको दिख रहा है राइट साइड पे, ये तप्त कुंड है। ये देखिए कितनी भाप निकल रही है यहाँ पे, इतना गर्म पानी है यहाँ पे। ये देखिए सामने ये लेडीज़ों के लिए है और राइट साइड में जेंट्स लोगों के लिए तप्त कुंड बना हुआ है। ये देखिए लोग तप्त कुंड में नहाते हुए, पानी अब ज़्यादा गर्म नहीं है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर फिल्म, थैंक यू।